दोस्तों सुबह के बजे हैं 6 और मैं हूं आपका दोस्त आपका एजुकेटर अमन शर्मा अपने डेली करंट अफेयर्स शो के साथ 9th of March 2020। हैप्पी होली टू यू ऑल। आज के करंट अफेयर्स को स्टार्ट करने से पहले गाइस, आर ग्रेटेस्ट वीकनेस लाइज इन गिविंग अप। हार मान जाना हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है। सबसे बड़ी उपलब्धि ये है कि आप एक बारी और प्रयास करें। द मोस्ट सर्टेन वे टू सक्सेड इज ऑलवेज टू ट्राई जस्ट वन मोर टाइम। This particular quote is said by Thomas Alva Edison. Now, पहली खबर देखने को मिलती है, India European Union to work together on integrated local energy system. Yes, India's Smart Utility Week चल रहा था, हमारे देश का Smart Utility Week चल रहा था, वहाँ पर India और European Union ने बात करी एक integrated local energy system के बारे में, कि हम लोग एक साथ काम करेंगे, we will work upon clean energy and climate. हम लोग यहाँ पर कोलैबोरेट करेंगे जिससे क्लीन एनर्जी सप्लाईज को और बेटर बना सकें। जो कोलैबोरेशन है, जो यहाँ पर स्टेप लिए गए हैं, वो हमारे मिशन इनोवेशन का पार्ट है। जो कोलैबोरेशन है उसका मेन मकसद ये होगा कि किस तरीके से जो कंट्रीब्यूशन है रिन्यूएबल एनर्जी का, उसको हम लोग बढ़ा सकें हमारे नेशनल एनर्जी प्रोडक्ट्स के अंदर। अलॉन्ग साइड ऑफ कोलैबोरेशन, इंडिया और स्वीडन ने यहाँ पर फैसला लिया है कि वो स्मार्ट ग्रिड्स के ऊपर काम करेंगे। ये जो प्रोजेक्ट है इनको फंड किया जाएगा डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी द्वारा। जो हमारे डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, उसने अभी तक 3 मेजर इंटरनेशनल स्मार्ट ग्रिड 24 कंट्रीज के अंदर एस्टैब्लिश कर दिए हैं। नाउ स्मार्ट ग्रिड्स क्या हैं? बेसिकली सिस्टम स्मार्ट ग्रिड्स इलेक्ट्रिसिटी नेटवर्क हैं जो कि डिवाइसेस को अलाउ करते हैं कि डिवाइसेस आपस में कम्युनिकेट कर सकें, ओके, बिटवीन कंज्यूमर्स एंड सप्लायर्स। यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क्स को प्रोटेक्ट करना, अलाउ करना कि डिमांड कैसे मैनेज होगी, तो उन सारी की सारी चीज़ों में हम लोग यहाँ पर बनाते हैं ग्रिड। नाउ मिशन इनोवेशन का जिक्र आया था गाइस, व्हाट इज मिशन इनोवेशन? मिशन इनोवेशन एक ग्लोबल इनिशिएटिव है 24 कंट्रीज का। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर यू कि मिशन इनोवेशन क्या है, 24 देशों का यहाँ पर एक ग्लोबल इनिशिएटिव है जिसका मेन मकसद है कि क्लीन अफोर्डेबल एनर्जी को बढ़ाना टू क्रिएट कमर्शियल अपॉर्चुनिटीज। इसको अनाउंस किया था बिल गेट्स ने COP21 पेरिस क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट 2015 के अंदर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उस समय प्रेसिडेंट है यूनाइटेड स्टेट्स के ओबामा और प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस वाज यहां पर होलैंड। इसके साथ साथ गाइस, यस बैंक वाला मुद्दा, यस बैंक वाला इशू आपको पता ही है, ओके, इसके लिए एक स्पेशल वीडियो मैं आपके लिए लॉन्च करूंगा बहुत जल्द। सो यहां पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इम्पोज कर दिया था एक मंथ लॉन्ग मोरेटोरियम, ओके, ऑल्सो जो अपेक्स बैंक है, इट हैज़ ऑल्सो इम्पोज्ड विड्रॉल रेस्ट्रिक्शन कि पैसे विड्रॉ नहीं हो पाएंगे 50,000 रुपये से ज़्यादा अगर यहाँ पर कोई मेडिकल इमरजेंसी नहीं है या एजुकेशन फीस नहीं देनी, या रेस्ट्रिक्शंस जो हैं उसके यहाँ पर 5,00,000 रुपये लगाई गई, या किसी की शादी है तो वो यहाँ पर ले सकता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ये जो एक्शन लिए हैं, दे आर अ पार्ट ऑफ प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन फ्रेमवर्क। सो RBI सेलेक्टेड स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यहाँ पर अराउंड 49% कैपिटल यहाँ पर परचेज करेगा येस बैंक की। नाउ गाइस, ये मोरेटोरियम क्या होता है? गाइस, ये जो मोरेटोरियम है, ये टेम्पररी सस्पेंशन होता है किसी भी एक्टिविटी का, किसी भी बिजनेस का। दो RBI हैज़ पावर टू इम्पोज रिस्ट्रिक्शन ऑन फाइनेंशियल एक्टिविटीज ऑफ अ बैंक इन इंडिया, बट यहाँ पर कोई भी पावर मोरेटोरियम इशू करने की नहीं है। मोरेटोरियम इम्पोज किया जाता है ऑन बैंक बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर द रिकमेंडेशन ऑफ RBI। याद रखना, मोरेटोरियम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इम्पोज करती है, RBI इम्पोज नहीं करती है। गाइस, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास पावर है एक्शंस लेने की अंडर द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1949। आपको याद होगा मैंने इससे आपसे डेली अपने करंट अफेयर MCQ में सवाल पूछा था। जो सेक्शन 35A है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 का, वो प्रोवाइड करता है पावर टू पुट विड्रॉल रेस्ट्रिक्शंस ऑन एनी बैंक इन इंडिया। नाउ नेक्स्ट पर्टिकुलर आर्टिकल, जन औषधि दिवस। नाउ गाइस, ऑन January 7, 2020 जन औषधि दिवस इज टू बी सेलिब्रेटेड। ये दिन सेलिब्रेट किया जाता है, ओके, टू कमेमोरेट द अचीवमेंट ऑफ प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना। तो ये हम लोगों ने सेलिब्रेट किया था ये दिन, ओके, इसका जिक्र क्यों आया था? बिकॉज और ज़्यादा यहाँ पर जो प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र हैं उनको खोलने की यहाँ पर बात की जा रही है, तो प्राइम मिनिस्टर यहाँ पर इंटरेक्ट करते हैं। जन औषधि केंद्र क्या हैं? ये जो केंद्र हैं, ये सबसे बड़ी रिटेल फार्मा चेन है पूरी की पूरी दुनिया में। अराउंड 700 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर फैले हुए हैं, 6,200 हमारे देश में केंद्र हैं। कोरोना वायरस के अंदर इनका जो रोल है वो और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना, जिसका मेन मकसद है क्रिएट अवेयरनेस अबाउट द जेनेरिक मेडिसिन।
नाउ गाइस, व्हाट आर जेनेरिक मेडिसिंस? ये जेनेरिक मेडिसिंस होती क्या हैं गाइस? जो हमारी यहाँ पर पेटेंट मेडिसिंस होती हैं वो बहुत महंगी होती हैं, तो अगर वो इंपॉर्टेंट मेडिसिंस हैं, पब्लिक गुड के अंदर हैं, तो सरकार क्या करती है, सेम कंपोजिशन की मेडिसिन बनवाती है जिनको जेनेरिक मेडिसिंस कहते हैं, जो कि सस्ते में बिकती हैं। पेटेंट मेडिसिन जैसा यहाँ पर सेम केमिकल कंपोजिशन होता है बट सस्ते में मिलती हैं। दे आर अनब्रांडेड मेडिसिन बट दे आर इक्वली सेफ, दे आर चीपर, इसलिए इनको जेनेरिक मेडिसिन कहते हैं। गाइस, जम्मू का जो एयरपोर्ट है उससे रिलेटेड एक खबर आई थी कि वो अब डायरेक्टली CISF के अंदर वर्क करेगा। अब 63 एयरपोर्ट्स हैं जो CISF की सिक्योरिटी के अंदर वर्क करते हैं। कुछ चीज़ें आपके लिए CISF के बारे में। CISF को सेटअप किया गया था 1969 में, हाउएवर इट वाज मेड एन आर्म्ड फोर्स इन 1983। 2017 के अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने CISF की जो स्ट्रेंथ है वो 1,45,000 से बढ़ाकर 1,80,000 कर दी। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर CISF वर्क करती है। CISF गार्ड करती है हमारे सी पोर्ट्स को, इंडस्ट्रियल सेक्टर को, एटॉमिक पावर प्लांट्स को, ऑयल रिफाइनरीज को, थर्मल पावर प्लांट्स को, माइंस को और बाकी सारे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स को। इसके साथ साथ हमारी जो करेंसी नोट प्रेसेस होती हैं उनके आगे भी CISF की यहाँ पर चौकसी होती है। देर आर 4 करेंसी नोट प्रेसेस इन इंडिया, 2 नासिक के अंदर हैं, बाकी 2 यहाँ पर मैसूर के अंदर हैं और सालबोनी के अंदर हैं। इसके साथ साथ गाइस, यूनाइटेड नेशंस ग्लोबल कॉम्पैक्ट स्टडी की गई थी और जिसने यहाँ पर स्टडी ने ये बोला था कि जो लेबर पार्टिसिपेशन है वो डिक्रीज हुई है फ्रॉम 34% इन 2006 टू 24.8% इन 2020। स्टडी ने यहाँ पर यह भी देखा था दैट आउट ऑफ 153 कंट्रीज सर्वे, इंडिया इकलौता ऐसा देश है जहाँ पर इकोनॉमिक जेंडर गैप ज़्यादा है पॉलिटिकल गैप से। ओके, स्टडी का कहना है दैट इफ वुमेन लेबर पार्टिसिपेशन हैज़ बीन द सेम एज दैट ऑफ वुमेन, जीडीपी देशों की 27% से बढ़ जाती। ग्लोबली 38.7% जो एम्प्लॉयड वुमेन हैं वो फॉरेस्ट्री, एग्रीकल्चर और फिशरी के अंदर वर्क कर रही हैं। हाउएवर 13.85% ओनली आर दी लैंड होल्डर्स। स्टडी ये कहती है कि जो कॉरपोरेट पॉलिसीज़ हैं और जो पब्लिक पॉलिसीज़ हैं हमारे देश में, उनको ये इंश्योर करना चाहिए, इफेक्टिव सॉल्यूशन लेकर आना चाहिए। वी शुड अडेप्ट लाइफ चेंजेस विद देयर एम्प्लॉयज, जिससे यहाँ पर डुअल कैरियर अपॉर्चुनिटी, मेटर्निटी और चेंजिंग केयर नीड्स का हम लोग ध्यान दे सकें यहाँ पर महिलाओं की। ओके, यूनाइटेड नेशन ग्लोबल कम्पैक्ट क्या है? इट स्टेट्स 10 प्रिंसिपल्स ऑफ ह्यूमन राइट्स, एंटी करप्शन, एनवायरमेंट एंड लेबर। ये बिजनेसेस को पूरी दुनिया के अंदर यहाँ पर बढ़ावा देते हैं, जिससे जो बिजनेसेस हैं वो सोशल रिस्पॉन्सिबल पॉलिसीज को अपने बिजनेस के अंदर इम्प्लीमेंट करें। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल, मिनरल लॉ अमेंडमेंट बिल लोकसभा ने पास कर दिया था। सो मिनरल लॉ अमेंडमेंट बिल 2020 पास किया गया, टू अमेंड माइंस एंड मिनरल एक्ट 1957। इसके साथ साथ जो कोल माइंस एक्ट है 2015 वाला, उसको भी यहाँ पर अमेंड करने की यहाँ पर बात की गई थी। हाईलाइट ये है कि द बिल वॉज पास इन द पार्लियामेंट विदाउट डिस्कशन, दिस वॉज बिकॉज ऑफ द कॉन्स्टेंट अप्रोर ऑफ द अपोजिशन। ओके, क्योंकि अपोजिशन कॉन्स्टेंटली यहाँ पर बात कर रही थी डेली वेलेंस के बारे में। पर इस बिल के की फीचर हैं, यहाँ पर बात हो रही है कोल सेक्टर को कम्प्लीटली ओपन करना कमर्शियल माइनिंग के लिए। साथ ही इट ऑल्सो इंटेंड्स टू रिमूव द एंड यूजर रिस्ट्रिक्शन, कि कोल का इस्तेमाल किस पर्टिकुलर जगह के लिए होगा। पहले सिर्फ थर्मल के लिए रिस्ट्रिक्टेड था, बट अब जो एंड यूजर रिस्ट्रिक्शन है उसको हटाने की बात कर रही है। इसकी मदद से क्या होगा, हमारे देश के अंदर जो कोल इम्पोर्ट है वो रिड्यूस होता हुआ हम लोगों को नजर आएगा। देश के अंदर कोल सेक्टर के बारे में बात करेंगे, जो कोल आउटपुट है हमारे देश में वो लगातार डिक्लाइन हो रही है बिकॉज ऑफ द फ्लडिंग ऑफ माइंस एंड लेबर अनट्रस्ट। ओके, लेबर अनट्रस्ट, इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यहाँ पर और बड़े बड़े कदम उठा रही है कोल प्रोडक्शन को बूस्ट करने के लिए। जो FDI है कोल सेक्टर के अंदर वो 100% कर दिया गया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कुछ और स्टेप उठाएगी जिससे हम लोग कोल इंपोर्ट्स को और कम कर सकें। इन स्पाइट ऑफ बींग द 4th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कोल इन द वर्ल्ड, हम लोग अराउंड 235 बिलियन टन का कोल हर साल यहाँ पर इम्पोर्ट करते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का टारगेट है कि हम लोग 1 बिलियन टन का कोल प्रोडक्शन पे पहुंच जाएंगे बाय 2024। तो आज के सेशन में बस यही, कैसा लगा आप लोगों को लाइक का बटन दबाकर मुझे बताना बिल्कुल मत भूलना। सो लव एंड पीस फ्रॉम माय साइड, थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर गाइस, एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड। बाय बाय, टेक केयर।